गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में द्वितीय पाठ अस्माकं देशः पढ़ेंगे। अस्माकं देशः यानी हमारा देश। वसुंधरायाम नाना देशा संति। वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, नाना मीन्स अनेक। पृथ्वी पर अनेक देश हैं। तत्र अस्माकं देशः अतीव प्रियः अस्ति। अतीव मीन्स बहुत ही। हमारा देश उनमें सबसे प्रिय है। अस्माकं देशस्य भारतवर्षम इति नाम प्राचीन राज्य भरतस्य नामना नाम प्रसिद्ध। हमारे देश का भारतवर्ष नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काले अयम देशः विश्वगुरु इति मन्यते इष्म। प्राचीन काले मीन्स प्राचीन काल में, पुराने समय में। अयम मीन्स यह। मन्यते इष्म माना जाता था। जब भी किसी धातु के साथ इष्म जोड़ दिया जाता है अंत में तो वहाँ भूतकाल हो जाता है। तो देखिए मन्यते इष्म यानी माना जाता था। प्राचीन काले अयम देशः विश्वगुरु इति मन्यते इष्म। प्राचीन काल में यह देश विश्वगुरु माना जाता था। अस्माकं देशस्य पूर्व दिशि ब्रह्म देशः, दक्षिण श्याम दिशि हिंद महासागर, उत्तर श्याम दिशि हिमालय, पश्चिमायाम दिशि च पाकिस्तान देशः अस्ति। हमारे देश के पूर्व दिशा में ब्रह्म देश, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, उत्तर दिशा में हिमालय और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान देश है। भारत भूमि सुजला सुफला सस्य श्यामला च अस्ति। सुजला मीन्स पानी से भरी हुई। सुफला सुफला फला मीन्स फल यानी फलों से भरी हुई। सस्य सस्य मीन्स फसल, उपज या खेती। श्यामला यानी गहरा रंग। देखिए भारत भूमि सुजला सुफला सस्य श्यामला च अस्ति। भारत भूमि पानी और फलों से भरी हुई और फसलों यानी अनाजों से ढकी है। अस्य देशस्य शोभां दृष्ट्वा देवाः अपि अत्र जन्म वाच्छन्ति। देखिए अस्य मीन्स इस, शोभां सुंदरता, शोभा दृष्ट्वा देखकर, देवाः देवता, अपि भी, अत्र यहाँ, वाच्छन्ति इच्छा रखते हैं। अस्य देशस्य शोभां दृष्ट्वा देवाः अपि अत्र जन्म वाच्छन्ति। इस देश की शोभा यानी सुंदरता को देखकर देवता भी यहाँ जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। भारत देशः बहुषु प्रांतेषु विभक्तः अस्ति। भारत देश बहुत से प्रांतों में विभक्त है यानी बटा हुआ है, कई प्रांतों में बटा है। विद धर्मावलम्बिनः नाना भाषा भाषिणः च जनाः अत्र निवसन्ति। विविध मीन्स अनेक, अलग अलग। धर्मावलम्बिनः यानी धर्मों को मानने वाले। नाना भाषा भाषिणः यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले। जनाः मीन्स लोग, अत्र मीन्स यहाँ, निवसन्ति मीन्स रहते हैं। देखिए विविध धर्मावलम्बिनः नाना भाषा भाषिणः च जनाः अत्र निवसन्ति। अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। शौर्ययुक्ता भारतीया स्वदेशं प्रति समर्पिता सन्ति। शौर्ययुक्ता शौर्यस्य युक्त, भारतीया भारतीय, स्वदेशं प्रति समर्पिता अपने देश के प्रति समर्पित। सन्ति मीन्स है। शौर्यस्य युक्त भारती अपने देश के प्रति समर्पित है। अस्माकं एकं संविधानम अस्ति। अस्माकं मीन्स हमारा, एकं मीन्स एक, संविधानम मीन्स संविधान कानून, अस्ति मीन्स है। अस्माकं एकं संविधानम अस्ति, हमारा एक संविधान है, एक कानून है। भारत देशः एकः धर्मनिरपेक्षः गणतंत्रात्मकः च देशः अस्ति। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्रात्मक देश है।
अस्य देशस्य गौरवम प्राचीनतमम यानी सबसे पुराना। अस्ति मीन्स है, इस देश का गौरव सबसे पुराना है। अस्मिन् देशे समय समय रामः कृष्णः बुद्धः महावीरः कबीर प्रभृतयः महापुरुषाः समुत्पन्ना। अस्मिन् देशे इस देश में समय 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 पर प्रभृतयः मीन्स आदि समुत्पन्ना उत्पन्न हुए हैं। देखिए इस देश में समय समय पर राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर आदि महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। स्वातंत्रोत्पासका प्रताप शिवाजी तिलक गोखले भगत सिंह चंद्रशेखर गांधी सुभाष नेहरू प्रभृत्यः व्यवहार कुशलाः असंख्याः देशभक्ताः महापुरुषाः अपि अत्रैव समुत्पन्नाः। स्वतंत्रोत्पासका स्वतंत्रता के उपासक प्रताप शिवाजी तिलक गोखले भगत सिंह चंद्रशेखर गांधी सुभाष नेहरू आदि व्यवहार कुशल असंख्य देशभक्त महापुरुष भी यहाँ उत्पन्न हुए हैं। गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गोदावरी गोमती इत्यादयः नद्यः अपि अत्र वहन्ति। वहन्ति मीन्स बहती हैं। नद्यः मीन्स नदियाँ। गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गोदावरी गोमती इत्यादि नदियां भी यहाँ बहती हैं। अस्माकं देशस्य कलाकृतयः अतीव प्रसिद्धा आसन। हमारे देश की कलाकृतियां बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेशस्य आगरा नगरे ताजमहल नाम के भवने या कलाकृति अस्ति सा संपूर्ण विश्वस्य कृते आश्चर्यकरा विद्यते। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में ताजमहल नामक भवन में जो कलाकृति है वह संपूर्ण विश्व को आश्चर्य चकित करने वाली है। फिर से देखिए इस लाइन को। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में ताजमहल नामक भवन में जो कलाकृति है वह संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली है। इदं भवनं विश्वस्य अष्टेषु आश्चर्येषु एकम् अस्ति। इदं मीन्स यह भवन विश्व के आठ आश्चर्यों में से एक है। अस्माकं देशस्य संस्कृतिः सभ्यता च प्राचीनतमा अस्ति। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता सबसे पुरानी है। सभ्यता या सूर्योदय भारतीय एवं अभवत। सभ्यता का सूर्योदय भारत में ही हुआ। अभवत में हुआ। अनेकतायाम एकता भारतीय संस्कृते प्रधाना विशेषता अस्ति। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रधान विशेषता है। प्रधान मीन्स प्रमुख विशेषता है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। आप सभी जानते हैं यहाँ बहुत सारे धर्म भाषा आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यानी यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है, इसलिए कहा गया अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। धर्मस्य संप्रदायस्य जातेः च संकीर्णं भेदभावं त्यक्त्वा देशस्य गौरवस्य संरक्षणं संवर्धनं च अस्माकं भारतीयानां परमं आवश्यकं कर्तव्यम् अस्ति। संकीर्णमिस तुच्छ छोटी, त्यक्त्वामिस त्याग कर छोड़कर, संरक्षणमिस उसको संरक्षित करना सजोकर रखना, संवर्धनमिस बढ़ाना, परमं आवश्यकं यानी बहुत आवश्यक, कर्तव्यम कर्तव्य अस्ति मीन्स है। कह रहा है धर्म संप्रदाय और जाति के संकीर्ण भेदभाव को यानी तुच्छ भेदभाव को छोड़कर देश के गौरव का संरक्षण यानी जो हमारे देश का गौरव है सम्मान है उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। संरक्षण और संवर्धन हम भारतीयों का परम आवश्यक
कर्तव्य है। इस प्रकार से आपका यह द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ अस्माकं देशः हमारा देश खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।